प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हाउ आर यू माय डियर्स? आई होप दैट यू आर वेरी वेल एट योर होम एंड वॉचिंग दीज क्लासेस सिटिंग एट योर होम टेकिंग द बेनिफिट ड्यूरिंग द समर वैकेशन और ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना और COVID-19। माय डियर स्टूडेंट्स, today we are talking about class 12th. class 12th we are studying compulsory grammar, compulsory english grammar of class 12th. And in compulsory English we are studying invitation and reply. प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि इस टॉपिक का लास्ट स्टेप चल रहा है। इन्विटेशन मैं आपको बता चुका हूं, इनविटेशन के साथ साथ मैं आपको यहाँ इनफॉर्मल इनविटेशन भी बता चुका हूँ। रेप्लाई की बात करते हैं तो रेप्लाई के बारे में भी मैंने आपको फॉर्मल रेप्लाई किस प्रकार से लिखा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी फॉर्मल रेप्लाई में एक ही क्वेश्चन आपने लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात भी हम यहाँ करेंगे फॉर्मल रेप्लाई में। इसके बाद इनफॉर्मल रेप्लाई और आपका आज की क्लास में ये टॉपिक समाप्त हो चुका होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहां हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी व्याकरण कक्षा 12 RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइडेड जो आपका सिलेबस है पाठ्यक्रम में, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि यही पाठ्यक्रम इंग्लिश ग्रामर कंपलसरी इंग्लिश में NCERT में भी है, तो जो विद्यार्थी NCERT को पढ़ रहे हैं, NCERT के द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया गया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, जो बच्चे NCERT इंग्लिश ग्रामर क्लास 12th का पढ़ रहे हैं उसमें भी यही टॉपिक हैं। आप इन टॉपिक्स को आराम से पढ़ सकते हो। और जो विद्यार्थी RBSE सिलेबस को पढ़ रहे हैं उनके सिलेबस में तो ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ ही है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां हम बात कर रहे हैं इनविटेशन रेप्लाई की, और इनविटेशन रेप्लाई में फॉर्मल रेप्लाई के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और यहां नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर KP सक्सेना, रिसीव्ड एन इनविटेशन आपने एक निमंत्रण प्राप्त किया है फ्रॉम योर फ्रेंड मिस्टर PK चोपड़ा ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज।
प्रिय विद्यार्थियों, विशेष ध्यान रखना है आपको, ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, जिससे कि हम बहुत अच्छे तरीके से इस इनविटेशन का रिप्लाई भेज सकें। यू आर केपी सक्सेना, तुम्हारा नाम केपी सक्सेना है, रिसीव्ड एन इनविटेशन, तुमने एक इनविटेशन, एक निमंत्रण प्राप्त किया है फ्रॉम यूअर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र की तरफ से, मिस्टर पी के चोपड़ा। मित्र का नाम क्या है? मिस्टर पी के चोपड़ा है। ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज, उसकी पुत्री की शादी का। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको आ गया और आपको इसी प्रश्न का क्या भेजना है? रिप्लाई भेजना है। ध्यान रखना, रिप्लाई भेजने वाला कौन है? केपी सक्सेना, यानी इनविटेशन प्राप्तकर्ता कौन है? केपी सक्सेना। और इनविटेशन जिसने भेजा है वो कौन है? पी के चोपड़ा। जिस व्यक्ति को हम रिप्लाई भेज रहे हैं वो कौन है? पी के चोपड़ा। फंक्शन क्या है? डॉटर्स मैरिज। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहां इसी क्वेश्चन में, इसी प्रश्न में एक दूसरा प्रश्न भी लिखूंगा। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न यह है कि कभी कभी प्रश्न आपको इस प्रकार से न आते हुए आपका प्रश्न एक इनविटेशन का रूप ले लेता है। कहने का मतलब, आपका इनविटेशन इस प्रकार से क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा रिप्लाई भेजने का, और कभी कभी इनविटेशन आता है। कैसे आता है देखते हैं, बात करते हैं। देखिए, इस प्रकार से इसमें आपको लिखा हुआ है मिस्टर एंड मिसेज पी के चोपड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से आपका ये प्रश्न आएगा, इस तरीके से आपको ये यहां प्रश्न भी दिया हुआ आ सकता है। मिस्टर एंड मिसेज पी के चोपड़ा, मिस्टर एंड मिसेज पी के चोपड़ा। Request the pleasure of, request the pleasure of Mr. and Mrs. KP Saxena's company on the auspicious occasion of their daughter's marriage Tina with Rahul, on Sunday 7 p.m. on 29 May
2020 एट रेजिडेंस RSVP with best wishes of या from all family। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका क्वेश्चन है, ये नहीं समझना है, ये आपका आंसर है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि हम यहां क्या लिख रहे हैं, रिप्लाई, और रिप्लाई लिखने के लिए हमें यहां इनविटेशन की आवश्यकता होती है। वी नीड एन इनविटेशन इफ वी वांट टू सेंड ए रिप्लाई। मैं आपको यही बता रहा हूं स्पष्ट रूप से कि प्रश्न आपका इस तरीके से भी आ सकता है और प्रश्न आपका इस तरीके से भी आ सकता है। इस तरीके से प्रश्न आएगा तो स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि आप केपी सक्सेना हो। आप कौन हो? केपी सक्सेना। और आपने एक इनविटेशन रिसीव किया है, एक इनविटेशन प्राप्त किया है फ्रॉम योर फ्रेंड, आपके मित्र की तरफ से। आपका मित्र कौन है? पीके चोपड़ा। उस मित्र का फंक्शन क्या है? डॉटर्स मैरिज, पुत्री की शादी का फंक्शन है। पुत्री की शादी का फंक्शन है। और किसकी पुत्री है? पीके चोपड़ा की। पीके चोपड़ा की तरफ से आपने निमंत्रण प्राप्त किया है और आप हो केपी सक्सेना। आप एक रिप्लाई भेजो। आप क्या भेजो? एक रिप्लाई। ओके डियर्स, तो यहां आपको लिखना है राइट ए रिप्लाई। ये आपका यहां प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न को मान लो या इसको मान लो, ध्यान से समझना है, स्पष्ट रूप से बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसको समझिए, ये इनविटेशन है। इनविटेशन किस प्रकार का है? मिस्टर एंड मिसेज आर के चोपड़ा एक फंक्शन का आयोजन कर रहे हैं। मिस्टर और मिसेज केपी सक्सेना को वो निमंत्रण दे रहे हैं। तो निमंत्रण कौन प्राप्त कर रहा है? मिस्टर एंड मिसेज केपी सक्सेना। मिस्टर एंड मिसेज केपी सक्सेना निमंत्रण प्राप्त कर रहे हैं तो रिप्लाई यही भेजेंगे। और ये लिखा हुआ भी है केपी सक्सेना, आप वो रिप्लाई भेजो। ये प्रश्न आपको आ गया, ये निमंत्रण दिया हुआ है, इन्विटेशन दिया हुआ है और आपसे कहता है कि इस इन्विटेशन का रिप्लाई भेजो। तो ध्यान रखना, रिप्लाई यहां कौन भेजेगा? आर के चोपड़ा नहीं भेजेगा। कौन भेजेगा? केपी सक्सेना भेजेगा। कौन भेजेगा? केपी सक्सेना। पुत्री की शादी है, इसके साथ रविवार को है, रेजिडेंस है, RSVP, वो सब कुछ यहां दिया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अब यहां हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले इधर जो व्यक्ति रिप्लाई भेज रहा है, यानी निमंत्रण प्राप्त कर रहा है, निमंत्रण कौन प्राप्त कर रहा है? केपी सक्सेना। उसके बारे में लिखना है। क्या लिखोगे? मिस्टर एंड मिसेज केपी सक्सेना। ओके डियर्स, ये आपका मिस्टर एंड मिसेज केपी सक्सेना। चाहो तो इस प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं, चाहो तो इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं। दोनों ही प्रश्न में एक ही बात दी हुई है।
दोनों ही प्रश्न में एक ही बात दी हुई है, और वो एक ही बात कौन सी है कि ये व्यक्ति निमंत्रण भेज रहा है और ये व्यक्ति निमंत्रण प्राप्त कर रहा है, यानी ये व्यक्ति रिप्लाई भेजेगा और किसको भेजेगा, इस व्यक्ति को भेजेगा जिसने निमंत्रण भेजा है, जिसने निमंत्रण दिया है। ओके डियर्स, समझ में आ गया मैं यहां क्या कह रहा हूं। यहां से आगे बात करेंगे मिस्टर एंड मिसेज केपी सक्सेना, और यहां लिखोगे थैंक। And accept the kind invitation of, फिर यहां लिखेंगे जो व्यक्ति निमंत्रण को प्राप्त कर रहा है, सॉरी, जो व्यक्ति रिप्लाई को प्राप्त कर रहा है या निमंत्रण भेज रहा है। क्या लिखोगे? ऊपर वाला मिस्टर एंड मिसेज पीके चोपड़ा, मिस्टर एंड मिसेज पीके चोपड़ा, ये हो गया। इसके बाद आप लिखोगे ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन of their daughter's marriage। आप चाहो तो यहां पुत्री का नाम भी लिख सकते हो, वेड्स या विद लगा करके पुत्र का नाम यानी कि दामाद का नाम लिख सकते हो, सन इन लॉ का नाम लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे आप क्या लिखोगे? समय ऑन मंडे 30 मई 2020 8 PM। सोमवार 30 मई 2020 को 8 बजे एट रेजिडेंस। निवास स्थान पर, और इसके नीचे लिखोगे अटेंडिंग द फंक्शन ऑन टाइम, समय पर फंक्शन में उपस्थित होते हुए, सेंडिंग देयर ब्लेसिंग्स टू द कपल, उस जोड़े के लिए अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हुए। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका रिप्लाई फॉर्मल रिप्लाई है, अधिक कुछ नहीं है इसमें, सीधा सीधा ही है कि यहां कौन व्यक्ति निमंत्रण प्राप्त कर रहा है, कौन व्यक्ति यहां निमंत्रण भेज रहा है। सबसे बड़ी बात यह है मिस्टर एंड मिसेज केपी सक्सेना, मिस्टर और मिसेज केपी सक्सेना थैंक, धन्यवाद देते हुए, मिस्टर एंड मिसेज
केपी सक्सेना थैंक धन्यवाद देते हुए एंड एक्सेप्ट या कह सकते हो धन्यवाद देते हैं एंड एक्सेप्ट स्वीकार करते हैं द काइंड इनविटेशन दयालु निमंत्रण ऑफ मिस्टर एंड मिसेज आर के चोपड़ा। किसका निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं? मिस्टर और मिसेज आर के चोपड़ा का निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ अवसर पर, ऑफ देयर डॉटर्स मैरिज, उनकी पुत्री की शादी के। ऑन नहीं लिखना चाहते तो यहां एक प्रपोजिशन और है ऑफ, वो भी लिख सकते हो। शुभ अवसर पर ऑन का प्रयोग करोगे, लेकिन यहां ये क्या है, निमंत्रण का रिप्लाई भेज रहे हो, तो रिप्लाई किस बात का है? उनकी पुत्री की शादी का, शादी के शुभ अवसर का रिप्लाई है ये। ओके डियर्स, यह शादी के शुभ अवसर पर जो निमंत्रण दिया था उसका क्या है, रिप्लाई है। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ देयर डॉटर्स मैरिज ऑन मंडे, सोमवार 30 मई 2020 को 8 बजे एट रेजिडेंस, निवास स्थान पर। यहां कितना है, 29 मई, आप 29 मई लिख सकते हो। और यहां क्या लिखा था, संडे, संडे लिखिए। यहां प्रोग्राम दिया हुआ है। यहां ये ध्यान रखिए, यदि प्रश्न ये आता है ये वाला, तो आप यहां कोई भी डेट चेंज करके लिख सकते हो। लेकिन प्रश्न ये है और इसमें डेट भी दी हुई है, इसमें आपका स्थान भी दिया हुआ है, तो आप उसी डेट और उसी स्थान को लिखने की कोशिश करो। ट्राई टू राइट द डेट दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन यूअर क्वेश्चन, इन यूअर इनविटेशन। बट माई डियर स्टूडेंट, द क्वेश्चन डज नॉट हैव एनी डेट एनी प्लेस। यहां इस प्रश्न में कोई भी डेट नहीं है, कोई भी प्लेस नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। जबकि ये प्रश्न आता है तो इसमें स्थान भी है, इसमें डेट भी है। यहां बात करते हैं नेक्स्ट, यहां से आगे। एट रेजिडेंस अटेंडिंग द फंक्शन, फंक्शन में उपस्थित होते हुए, ऑन टाइम समय पर, सेंडिंग देयर ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद भेजते हुए टू द कपल, उस जोड़े को। कौन से जोड़े को? पुत्र और दामाद जो हैं, सॉरी पुत्री और जो दामाद हैं, उनके लड़का लड़की का जो कपल है उनको अपना आशीर्वाद भेजते हुए। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न है फॉर्मल रिप्लाई का। अब बात करते हैं इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई किस प्रकार के लिखने होते हैं? इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते समय वही नियम आपको याद रखने हैं जो आपने इनफॉर्मल इनविटेशन लिखा है। प्रिय विद्यार्थियों, इनफॉर्मल रिप्लाई के बारे में बात करेंगे। आप लिखिए इनफॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल लिखते समय इनफॉर्मल इनविटेशन का तरीका याद रखना है।
जिस प्रकार से इनफॉर्मल इनविटेशन लिखे जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ इनफॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे। मैंने आपको बता दिया, दीज इनफॉर्मल रिप्लाइज और इनफॉर्मल इनविटेशंस आर लाइक इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते समय इधर बाईं तरफ आपको क्या लिखना है, जो व्यक्ति रिप्लाई भेज रहा है उसका यहाँ क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, उसका यहाँ पता लिखना है। इसके बाद यहाँ नीचे लिखना है डेट, जिस तारीख को वो व्यक्ति इनफॉर्मल रिप्लाई भेज रहा है वो डेट लिखनी है। उसके नीचे लिखना है डियर या माय डियर, सगे संबंधी का नाम, जिस सगे संबंधी की तरफ से आपने इनविटेशन प्राप्त किया है। ओके डियर्स, इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते समय इनफॉर्मल इनविटेशन का तरीका याद रखना है। दूसरा लिखिए, इनफॉर्मल इनविटेशन की तरह इसमें भी लेफ्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस व उसके नीचे डेट लिखते हैं। डियर या माय डियर लिखकर रिलेशन रिलेटिव या निमंत्रण भेजने वाले का नाम लिखते हैं। रिप्लाई समाप्त होने पर यूअर्स सिंसियरली, या ट्रूली लिखते हैं। ओके डियर्स, ये आपका इस प्रकार से इनफॉर्मल रिप्लाई भेजना है। इनफॉर्मल इनविटेशन की तरह इसमें भी बाईं तरफ क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं भेजने वाले का, उसके नीचे डेट लिखते हैं, डियर या माय डियर लिखकर रिलेशन या रिलेटिव का नाम लिखते हैं, या निमंत्रण जिसने भेजा है उसका नाम लिखते हैं, क्योंकि हम रिप्लाई उसी को भेजते हैं जिसने हमें निमंत्रण दिया है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी रिलेटिव का नाम वहाँ लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम उसी रिलेटिव का नाम लिखते हैं जो रिलेटिव हमें निमंत्रण भेज रहा है और उसी को हम रिप्लाई भेजते हैं। ऐसा थोड़ी किसी रिलेटिव की तरफ से हमें निमंत्रण मिला है और हम रिप्लाई किसी दूसरे रिलेटिव को भेजेंगे। दैट इज नॉट क्वाइट एप्रोप्रिएट माय डियर्स, ये बिल्कुल उचित नहीं है। रिप्लाई समाप्त होने पर यूअर्स सिंसियरली या यूअर्स ट्रूली अवश्य लिखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये
रेप्लाई आपका नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें समाप्त हो जाएगा। अगली जो क्लास आएगी उसमें आपके आर्ग्यूमेंट्स टॉपिक से हम प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ मैं आज का ये पार्ट यहाँ समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। थैंक्स।